अस्सलाम वालेकुम, अबरार शीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते के दौरान यूएई पर, यूएई के सदर मुकाम यानी कैपिटल अबू धाबी पर दूसरा हमला किया गया है और इस हवाले से मैं बताऊंगा कि क्या हालात और वाकयात हैं। लेकिन उससे पहले आप ये एड देखिए और आपसे दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में इसी एड यानी कुकिंग चैनल के एड का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ऐड तो आपने मुलायजा किया, एक अफसोसनाक खबर है कि एक मरतबा फिर यानी एक हफ्ते के दौरान अबू धाबी पर यमन के हुती बागियों ने मिसाइल से हमला किया है और इतलात के मुताबिक इस हमले को नाकाम बना दिया गया है। यानी दो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जिन्हें कहा जाता है, वो अबू धाबी पर दागे गए आज अलसुबह और इनको यूएई की डिफेंस फोर्सेस ने फिजा में ही नकारा बना दिया और यूएई के हुकाम के मुताबिक अभी तक इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बताया गया है कि इन मिसाइलों के टुकड़े जो हैं वो अबू धाबी के मुख्तलिफ मुकामात पर गिरे हैं लेकिन इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। याद रहे कि तकरीबन 6 या 7 रोज कबल ही वहां पर अबू धाबी में ड्रोन से हमला किया गया था और जिसके नतीजे में 3 हलाकतें हुई जिनमें एक पाकिस्तानी हमारे भाई भी शामिल थे। और अब एक हफ्ते के दौरान दूसरा हमला करना ये इस बात का गमाज है कि ये बात जो है वो अब बढ़ रही है, जिसे कहते हैं कि मुख्तारिया गल बढ़ गई है। अब सूरत हाल ये है कि यूएई की गवर्नमेंट ने खबरदार किया है लोगों को, यानी वहां के रहने वाले लोगों को यह खबरदार किया है कि वो इस हवाले से किसी भी दूसरे जरिए या जराए से मिलने वाली खबरों पे यकीन ना करें, सिर्फ और सिर्फ यूएई के सरकारी जराए या सरकारी मीडिया या यूएई के मीडिया के तवसुत से मिलने वाली खबरों पर यकीन करें। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि सेंसरशिप है। अक्सर जंगी सूरत हाल में हुकूमतें इस तरह के ऐलानात करती हैं कि वो दीगर ममालिक के प्रोपेगेंडा टूल्स पर यकीन न करें, क्योंकि जाहिर है जो आपके दुश्मन ममालिक होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं और मुमकिन है अब भी ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए हुतियों की जानब से कि शायद खुदा न खास्ता यूएई में कोई जानी या माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन बात फिलहाल जानी या माली नुकसान तक ही महदूद नहीं। जिस तरह मैंने अपनी एक इससे पहले वाली, एक दो दिन पहले बनने वाली वीडियो में जिक्र किया था कि प्रॉक्सी वार जो है वो अब यूएई तक जा पहुंची है। प्रॉक्सी वार, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया है कि दो दुश्मन ममालिक की जंग किसी तीसरे मुल्क में लड़ी जाए तो अब वो जो तीसरा मुल्क है वो पहले था सऊदी अरब और अब निशाना बनाया जा रहा है यूएई को। और ये भी बताना चलूं कि सऊदी अरब में भी गुज़श्ता रात जो है वो मिसाइल दागे गए। अब सऊदी अरब में तो बड़े, जिसे कहते हैं, सरद के साथ, बड़े तवातुर के साथ, तसलसल के साथ हुतियों की जानब से मिसाइल हमले किए जाते हैं, क्योंकि यमन और सऊदी अरब का बॉर्डर बिल्कुल एक ही बॉर्डर मिलता है तो वहां पर हमला करना निस्बतन आसान है। लेकिन दुबई को, अबू धाबी को या यूएई को निशाना बनाना, मेरा ख्याल है कि इसके लिए काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। और अब यूएई का ये मानना है, उनका ये इल्जाम है कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये हुतियों को ईरान की जानब से दी गई है। ये और भी खतरनाक बात है कि अगर ईरान बिलवास्ता तौर पर, यानी बिलावास्ता तो नहीं, बिलवास्ता तौर पर यूएई पर हमले करवाने में मुलव्वस है तो यकीनी तौर पर, जिस तरह एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था अगर आपको याद हो, कि इसराइल ने यूएई को यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात को या उनके हुक्मरानों को ये पेशकश की थी
कि इसराइल उनके दिफा के लिए तैयार है। इसराइल की मुसल्ला अफवाज, उनमें बड़ी फौज भी है, उनमें नेवी भी शामिल हो सकती है, खासतौर पर एयरफोर्स मिसाइल या इस तरह के हमलों को नकारा बनाने के लिए या नाकाम बनाने के लिए। तो ये मजीद सूरत हाल जो है वो संगीन हो सकती है अगर इसराइल की अफवाज यूएई की सरजमीन पर लैंड करती हैं, क्योंकि फिर यूएई और ईरान आमने सामने होंगे और इसराइल आमने सामने होगा ईरान के, और खित्ते में हालात कशीदा होंगे। अब हूतियों का यह कहना है कि जिस तरह इतिहादी अफवाज का हिस्सा बनकर यूएई के जहाज यमन पर हमला आवर होते हैं मुबैना तौर पर, यह उनका इल्जाम है, और वहां पर सिविलियन लोगों को मारते हैं, आम शहरियों को मारते हैं हमले में, तो इसका बदला लिया जा रहा है। उनका यह कहना है कि हम अपने ये हमले जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम यूएई की इकोनॉमी जो है उसको तबाह नहीं कर देते। वहां पर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जाहिर है अगर उन पर हमले किए जाएंगे तो वो अपना कारोबार वहां से समेट लेंगी, लेकिन इसका खमियाजा जो है ना सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस इलाके में बहुत ज्यादा मकदार में तेल भी पैदा होता है, सैर सियाहत है, इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट है, हर लिहाज हर शोबे में। तो यहां पर अगर तेल की पैदावार मुतासर होगी तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि आलमी सतह पर इसका क्या असर होगा। अगर यहां पर इकॉनमी मुतासर होगी तो आप खुद सोचिए कि इसका खित्ते पर क्या असर पड़ेगा। खास तौर पर वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें तकरीबन 17-18 लाख तो पाकिस्तानी हैं और पता नहीं 40 लाख के करीब शायद इंडियंस हैं, दीगर ममालिक के लोग हैं, तो ये लोग भी बेरोजगार होंगे, वहां की इकॉनमी सफर करेगी। जो लोग सेहत की गर्ज से वहां पर आते हैं वो मिसाइलों के हमले से, ड्रोन के हमले से वहां आने से इज्तनाब करेंगे। तो सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यूएई ने और अरब लीग ने अक्वामे मुतहदा से मुतालबा किया है, दीगर ममालिक से मुतालबा किया है कि हूतियों को, हूती ग्रुप जो है, जो बागी ग्रुप है यमन का, उनको दहशत गर्दों की फहरिस्त में ले आए, उनके तमाम जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए जाएं। याद रहे कि ये माजी में अमेरिका की दहशतगर्दी की लिस्ट पर थे, लेकिन बाद में उनको इस लिस्ट से खारिज कर दिया गया था। लेकिन अगर इनको दहशतगर्द करार दिया जाता है तो फिर तो इनके हमलों में मजीद शिद्दत आएगी। अभी तो वो फिर भी कोई ना कोई आलमी कानून का सहारा ले सकते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं जवाबी हमले के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको दहशतगर्द करार दिया गया तो फिर हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। फिर खुदा न ख्वास्ता जिस तरह यमन ने अमरीकी जो फोर्सेज हैं उन पर हमले किए, वहां के जहाज तबाह किए, बहरी जहाज तबाह किए, अगर आपको याद हो माजी में, तो फिर इस तरह के हमले खुदा न ख्वास्ता ये जो गल्फ ऑफ ओमान है इसमें, दुबई, फुजेरा, शारजा, इसके गिर्दोनवा में इस तरह की खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह करे ऐसा ना हो, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो सकती हैं, जो कि मैं समझता हूं कि सिर्फ यूएई के लिए नहीं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, पूरे खित्ते के लिए ये सूरत हाल जो है वो बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित हो सकती है। अब वो लोग जिनकी नजरें इस खित्ते पर हैं, नजरों से मुराद मेरी ये है कि वो लोग जो जानते हैं इस खित्ते की तारीख को, इस खित्ते की जुग्राफियाई अहमियत को, वो अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि अगर हूतियों के ये हमले इसी तरह तसलसल के साथ जारी रहे, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि यूएई के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो मिसाइल हमलों को नाकाम बना सकते हैं, यानी फिजा में ही उनको तबाह कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो खौफ की फिजा है, छोटा सा तो मुल्क है, अगर हफ्ते में 2-4 हमले इस तरह होते रहे तो वहां पर कौन आकर सरमायाकारी करेगा, कौन सी फॉरेन कंपनी या वहां के जो इदारे हैं वो वहां आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहरहाल अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप सबको, खास तौर पर वो लोग जो इस वक्त यूएई में कयाम पजीर हैं, ताल्लुक उनका चाहे किसी भी नेशनैलिटी से हो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।